लास्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशंस विद इन टेबल। जैसे हम एक्सेल में अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वैसे वर्ड में हम टेबल पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड कैन डू बेसिक कैलकुलेशंस विद द टेबल, देयर बाय प्रिवेंटिंग यू टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस बाय यूजिंग कैलकुलेटर। द प्रिंसिपल दैट इज यूज टू डू कैलकुलेशंस इन वर्ड इज दैट इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द एक्चुअली वैल्यूज फॉर कैलकुलेशंस, वी विल बी रेफरिंग टू द सेल कंटेनिंग द वैल्यू। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेशन पे अपनी वैल्यूज को ऐड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वैसे हम वर्ड में कैसे करते हैं, उनके सेल्स के थ्रू। जैसे मान लो ये हमारा टेबल है, ठीक है, हमने इसको और इसको कैलकुलेट करना है और ये हमारा रिजल्ट है, तो हम प्लस कर सकते हैं, माइनस, एडिशन, मल्टीप्लाई, जो भी हमारे फॉर्मूलाज है सारे। नेक्स्ट है इंसर्टिंग फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूलाज को इंसर्ट कैसे करना है, तो इंसर्ट अ फार्मूला डिटरमाइन द वैल्यूज और सेल रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फार्मूला एंड देन फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमने पहले टेबल को क्रिएट करना है, अपने मार्क्स देखो, जैसे मैंने ये क्रिएट किया है, देन हमारा स्टेप वन क्या होएगा, सबसे पहले हमने सारे अपने डेटा को फिल कर लिया। अब मेरे को इन हमारे जो 5 कॉलम्स हैं इनका प्लस चाहिए, मतलब टोटल चाहिए। ठीक है, इंग्लिश का, मैथ्स का, कंप्यूटर, हिंदी और पंजाबी, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे को ये इस बच्चे के सारा टोटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे टोटल करना है, सबसे पहले लेआउट में गए, द फर्स्ट स्टेप, लेआउट टैब, चूज फार्मूला, लेकिन हमारा कर्सर टोटल पे होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला पे क्लिक किया तो हमारे सामने फार्मूला टैब ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू सम लेफ्ट लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू डाल के ये हमारे सेल हैं। ऊपर हमें यहाँ पे बताया है कि हमारी कॉलम आईडी और रो आईडी क्या है। जैसे ये है, दिस इज़ A1 एंड B1, ये हमारी रो आईडी है और ये हमारी कॉलम आईडी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी कॉलम और रो आईडी क्या होगी, C, जैसे A B C D E F G H, और 1, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये यहाँ से 1 की काउंटिंग हमारी सीरियल नंबर, लेकिन जो रोज की वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, C3, 3 कैसे हुआ 1 2 3, थर्ड नंबर रो, और C कैसे हुआ A B C, दोनों को देख लिया, C3 बन गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू C3 प्लस, ठीक है, C3 आ गया, देन D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस और G3, ये हमने राइट करके यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, एंटर, देखो हमारा टोटल आ गया। ठीक है, सभी का हमने ऐसे ही टोटल लगा लेना है।